हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसका नाम है ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। तो इसके अंदर है ना, जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, उसकी पढ़ाई हमको करना है। तो यहाँ पर हम लोग एक बार डिजिटल डेटा भेजेंगे और एक बार एनालॉग डेटा भेजेंगे ऑप्टिकल फाइबर की मदद से। अब जो ऑप्टिकल फाइबर है, मैं आपको दिखा देता हूँ वो कैसा दिखता है। तो ये जो केबल है आप देख रहे हैं, यही ऑप्टिकल फाइबर है। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक होल जैसा है जिसमें से लाइट अंदर घुसती है। यहाँ से एक्चुअली होल नहीं है, ये बेसिकली अंदर एक फाइबर है। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में डिटेल में आप थ्योरी में स्टडी करेंगे। तो यहाँ से हम लाइट को अंदर डालते हैं और लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके इसमें से पास होती है और दूसरे एंड पे पहुँचती है, दूसरे एंड पे। तो ये है दूसरा एंड इसका। तो बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर जो है उसमें दोनों साइड में से कहीं पे भी आप लाइट डाल सकते हैं और ये लाइट के लिए एक पाइप का काम करता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि एक जगह से मैं लाइट छोड़ूंगा तो देखिए दूसरी साइड से कैसे लाइट बाहर निकलेगी। तो लाइट के लिए एक पाइप की तरह काम करता है, जैसे पानी का एक पाइप होता है ना, वैसे ये लाइट का पाइप समझ लीजिए इसको, ऑप्टिकल फाइबर को। ये सारा सेटअप मैंने करके रखा हुआ है। ये सेटअप मैंने एग्जैक्टली कैसे किया है मैं वो भी आपको टीच करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन अभी फिलहाल खाली ये देख लीजिए, देखिए मैंने ऑप्टिकल फाइबर का एक एंड जो है ना, एक एंड बस खाली यहाँ पे डाल दिया। ये जो है ना लाइट है, लाइट इसमें से रेड लाइट निकलती है, मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। तो मेन सप्लाई ऑन कर दिया मैंने एंड फिर यहाँ से इसको मैंने ऑन किया, ये देखिए ऑन हो चुका है। अब ये देखिए यहाँ से लाइट निकलना स्टार्ट हो गई है। तो इसी के अंदर बस मुझे खाली ये इसको फिट करना है। तो इसको मैं जब अंदर डालूंगा तो लाइट इस पाइप में से घुसेगी और दूसरे एंड से निकलेगी। दूसरे एंड से मैं दिखा देता हूँ किधर गया भाई इसका दूसरा एंड, काफ़ी लंबा है ये। हाँ ये देखिए, देखिए यहाँ से लाइट बाहर आ रही है, आप लोग देख सकते हैं ये जो लाइट बाहर आ रही है बेसिकली, तो ये एक पाइप है, लाइट का पाइप। तो यहाँ से लाइट निकली और ये लाइट को अब मैं यहाँ डालूंगा, यहाँ पे ठीक है, इसके अंदर डालूंगा। तो एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ कि होता ये है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप माइक कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप कुछ बोलेंगे, कुछ भी जो भी चीज़ आप बोलेंगे वो बात जो है उसको सिग्नल में कन्वर्ट किया जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस लाइट के ऊपर चढ़ाया जाएगा और वो जो सिग्नल है आपका, आपकी आवाज़, आपकी बात, वो लाइट यहाँ पे पहुँचाएगी लाइट, और फिर वापस से लाइट में से उसको निकाला जाएगा, लाइट में से उस सिग्नल को निकाला जाएगा, इलेक्ट्रिकल बनाया जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट किया जाएगा। मतलब पहले तो एम्पलीफाई करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ से यहाँ आने में थोड़ा सा सिग्नल कमज़ोर पड़ गया हो, तो वो सिग्नल को वापस से मतलब जो है आवाज़ में कन्वर्ट करके, एम्पलीफाई करके, है ना। पहले तो लाइट से इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से प्रेशर वेव्स बनेंगी और फिर वो प्रेशर वेव्स आपके कान में पहुंचेंगी, ठीक है, साउंड बनके। तो यहाँ से आप बोलेंगे वो चीज़ अंदर जाएगी, ठीक है, मतलब यानी कि इन्फॉर्मेशन अंदर जाएगी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। आप बोलेंगे प्रेशर वेव्स के फॉर्म में वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट पर चढ़ाया जाएगा, लाइट यहाँ से यहाँ पे ट्रांसमीटर पर पहुँचाएगी सिग्नल को, और ये जो रिसीवर है ये ट्रांसमीटर, देखिए यहाँ पे ट्रांसमीटर लिखा हुआ है, ट्रांसमीटर और ये रिसीवर है। तो ट्रांसमीटर से लाइट में सिग्नल आएगा और रिसीवर में पहुँचेगा, और रिसीवर में पहुँचने के बाद जो है आपको यहाँ पे सिग्नल मिलेगा। तो अब जब हमको सारी बेसिक चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, तो मैंने अभी फिलहाल तो कनेक्शन सब निकाल दिए हैं ताकि हम शुरू से शुरुआत कर सकें। तो एक्चुअली अब करना क्या है इसमें एग्जैक्टली, तो यहाँ पर मैं आपको कनेक्शन दिखाता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट, इसमें दो पार्ट्स हैं, तो ये जो एक्सपेरिमेंट इसमें दो पार्ट्स हैं, ये देखिए दो पार्ट्स कौन कौन से हैं। एक पार्ट है आपको डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिट करना है और दूसरा पार्ट है आपको एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिट करना है। डिजिटल का मतलब होता है स्क्वायर वेव और एनालॉग का मतलब होता है साइन वेव। तो ये दोनों चीज़ों को हमको है ना ट्रांसमीटर से रिसीवर तक भेजना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग जाते हैं डिजिटल वाले सिग्नल में। तो ये जो नॉब है, लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी, इसको आप चाहें तो लो पे भी रख सकते हैं, चाहे तो हाई पे भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ये है डिजिटल और एनालॉग। तो हम लोग पहले डिजिटल पार्ट कर रहे हैं, तो डिजिटल की तरफ स्विच को आपको रख देना है, डिजिटल की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे कनेक्शंस करना है, तो देखिए जहाँ जहाँ पर आपको ऐसे डॉट डॉट लाइन दिख रही है ना, डैश्ड वाली लाइन दिख रही है, देखो ये सॉलिड लाइन है, ये डैश्ड लाइन है, ये है सॉलिड लाइन, ये है डैश्ड लाइन। तो डैश लाइन जहाँ भी दिख रही है इसका मतलब वो वहाँ से वायर टूटा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग ने ना हर पार्ट को सेपरेट रखा है, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, वैसे ही ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। तो इस तरीके से हमने सारी चीज़ें रखी हैं। तो जब आपको इसको इससे कनेक्ट करना है तो आपको ये चीज़ें कनेक्ट करना ही होंगी। यहाँ पे आपको कनेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमको यहाँ से यहाँ कनेक्शंस करना है। तो चलिए आइए करते हैं। तो ये जो है मैंने ये एक वायर लिया, एक पिन, और बेसिकली दूसरे वाले में लगा दिया है ना। तो ये आपस में जो है ये अब जॉइंट हो चुका है। इस तरीके से आपको चीज़ें ज्वाइन करते जाना है, इसको भी आपस में ज्वाइन करना है।
यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अच्छा, आप गलती से मत सोच लेना कि नीला है तो नीला ही वायर ज्वाइन करना है और पीला है तो पीला ही वायर ज्वाइन करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वायर की कोई पोलैरिटी नहीं होती है, वायर का कोई प्लस माइनस नहीं होता है, वायर तो कुछ भी यूज कर सकते हैं। ये तो बाहर की रबर कोटिंग है खाली, समझ रहे हैं, ये तो कोटिंग है सिर्फ, अंदर तो सब मटेरियल सेम ही है, लेकिन थोड़ा खूबसूरत लगे इसलिए मैं पीले में पीला लगा रहा हूँ और ब्लू में ब्लू। बट आपको ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है, आप काला भी लगा सकते हैं, लाल भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। ओके, चलिए अब ये वाले कनेक्शंस भी कर लेते हैं। तो ये मैंने अभी ये वाला भी कनेक्ट कर दिया आपस में, डैश लाइंस दिख रही होंगी आपको, ये वाला भी कनेक्ट कर दिया आपस में, ठीक है। तो ये कनेक्ट हो चुका है, ये कनेक्ट आपस में हो चुका है, मतलब पूरा सर्किट जो है अभी धीरे धीरे करके जोड़ रहा है, ठीक है, बिट बाय बिट, कड़ी बाई कड़ी हम जोड़ रहे हैं इसको। अभी यहाँ पर जो है यहाँ पे आउटपुट आएगा, ठीक है, रिसीव्ड डेटा जो यहाँ पे मिलेगा ना आउटपुट आएगा, मतलब अरे समझिए यहाँ से हम लोग सिग्नल दे रहे हैं और वो सिग्नल यहाँ पहुँच रहा है, तो उसको हमें देखना है, कहाँ देखना है, यहाँ से आउटपुट लेके हमको सीआरओ पे देखना है, मतलब यहाँ पे आउटपुट आ रहा है वो सीआरओ पे देखना है, सीआरओ कैथोड ऑसिलोस्कोप, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक डैश लाइन दिख रही होगी आपको, तो ये डैश लाइन रह गई हैं, तो इसको भी ज्वाइन करना है आपको, तो इसको भी मैं ज्वाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो ट्रांसमीटर वाले में यहाँ पे भी ज्वाइनिंग है, देखिए डैश लाइन है ना, तो आपको ये भी ज्वाइन करना है, और यहाँ भी डैश लाइन थी तो उसको भी मैंने ज्वाइन कर दिया, देखिए डैश लाइन आपको दिख रही होगी, तो यहाँ से भी मैंने ज्वाइन कर दिया है, इन सबको साइड में हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो है देखिए, सुनिए, ये ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर इसको आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे कि ना मेरे पास फ़ोन है, फ़ोन में मैं कुछ बोल रहा हूँ, वो जो मैं प्रेशर वेव्स दे रहा हूँ वो प्रेशर वेव्स कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट पर चढ़ाया जा रहा है यहाँ से, और वो लाइट पर जो चढ़ा हुआ सिग्नल है उसे फाइबर्स जो हैं, मतलब फाइबर केबल, वो यहाँ से वहाँ पहुँचा रहे हैं। ये चीज़ ना, ये चीज़ 100 किलोमीटर दूर है और ये चीज़ मेरे पास है, ठीक है। ये तो वो है ना जिससे मैं बात कर रहा हूँ फ़ोन पे, तो मैं मान लो कि मुंबई में हूँ, वो बंदा पुणे में बैठा हुआ है, मुंबई वाला बंदा पुणे वाले बंदे से बात कर रहा है, तो ये चीज़ उसके पास है और चीज़ मेरे पास है, तो इन दोनों के बीच में एक ऑप्टिक केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल कनेक्टेड होगा। तो ये है एकदम लंबा सा फाइबर ऑप्टिक केबल, तो जिसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है, आपको फाइबर ऑप्टिक केबल यहाँ पे देखिए ना, लिखा है ना फाइबर केबल, तो ये आपको यहाँ पे लगा देना है, काफ़ी लंबा चौड़ा इसका वायर है और ये रहता ही है बेसिकली। ये तो मैंने बहुत कम लिया है, मतलब एक्सपेरिमेंट के हिसाब से हम लोगों ने कम लगाया है, ये किलोमीटर्स में होता है, किलोमीटर्स में, समझ रहे हैं। तो यही आपको कनेक्टिविटी देता है, अच्छी कनेक्टिविटी, जो 4G कनेक्टिविटी आ पाई है वो इन फाइबर ऑप्टिक केबल्स की वजह से ही आ पाई है। अब आउटपुट रीड करने के लिए यहाँ पे जो रिसीव्ड डेटा है वहाँ पर भी कुछ केबल्स लगाने होंगे, तो देखिए यहाँ पे मैं एक लगा दे रहा हूँ, सो बेसिकली एक ये लगा दिया, ठीक है, खाली बस एक एक ज्वाइन करना है, और दूसरा जो है एक और मैं लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये सीआरओ के दोनों पैरों में लगेगा ना, सीआरओ के जो प्रोब्स हैं उसमें लगेगा ये। अरे यहाँ पे आउटपुट आ रहा है भाई, अरे वहाँ से सिग्नल निकल रहा है, मेरे मुँह से बात निकल रही है और यहाँ पे किसी के कान में घुस रही है, तो कान में कैसे घुसेगी, यहाँ से घुसेगी ना, तो मान लो ये कान है, ठीक है, ये कान है, ये कान सुन रहा है इस आवाज़ को, तो इसमें ये ज्वाइन करना है, ये चीज़ ज्वाइन करना है। तो कैसे ज्वाइन करेंगे, इसका ये वाला केबल पकड़ेंगे और इसे यहाँ पे लेके आके इससे ज्वाइन कर देंगे, है ना। तो ये वाले को, ऊपर वाले को रेड से ज्वाइन करेंगे और नीचे वाले को ब्लैक से ज्वाइन करेंगे, चलिए ज्वाइन कर देते हैं। तो ये मैंने आप देख सकते हैं कि रेड से रेड ज्वाइन किया और ब्लैक से ब्लैक ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये सीआरओ के इस चैनल में ज्वाइन किया। अच्छा एक सेकंड, सॉरी सॉरी, मैं काम करता हूँ क्या ना, इसको इनपुट के लिए रखता हूँ, तो इसे निकाल रहा हूँ मैं यहाँ से, इसको इधर लगाता हूँ सेकंड वाले में। अरे मतलब आप चाहें तो किसी को भी इनपुट, किसी को भी आउटपुट के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसे हमारी एक आदत बनी हुई है कि जब भी आउटपुट देखना होता है ना तो हम सेकंड चैनल में लगाते हैं, तो मैं सेकंड वाले में लगा देता हूँ, सेकंड वाले में, और इनपुट के लिए जो है मैं इधर लगा दूँगा। अभी इनपुट आप बोलेंगे सर किधर, आपने तो कुछ लगाया नहीं, इनपुट लगा रहा हूँ, रुकिए। तो यहाँ पर जो है ये मैं इनपुट लगाऊंगा, रुकिए। तो ये इनपुट वाला जो केबल है ये मैंने अब कनेक्ट कर दिया, कहाँ पर देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये ट्रांसमीटर के इनपुट पर कनेक्ट किया है, देखिए। सो ये जो है ये यहाँ पर कनेक्टेड है, ध्यान से देखो कहाँ पे कनेक्टेड, ये देखो ना डिजिटल डेटा इनपुट लिखा है, डिजिटल डेटा इनपुट, तो यहीं पे रखा हुआ है, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अरे इस पे लगाया हुआ है, ये देखो ये ना, ये होल में ऐसे घुस जाता है इस होल में, तो यहाँ पर आपको लगाना है। सो ये देखो कैसे लगाया मैंने, प्लस कनेक्ट कर दिया, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, प्लस कनेक्ट कर दिया, समझ रहे हैं। अरे ये चीज़ जो आपस में कनेक्टेड थी डैश लाइन होने की वजह से, ये अलग बात है, लेकिन इसी में इनपुट भी है ना, तो इनपुट के लिए मैंने सीआरओ में देखने के लिए लगा दिया रेड वाला, और वैसे नीचे वाला जो है ग्राउंड वाला लगा दिया ब्लैक में, देखो ब्लैक में लगा दिए। तो अब ध्यान से देखिए कि ये जो है इनपुट पार्ट है और ये आउटपुट पार्ट है, तो इनपुट पार्ट में से एक केबल लेके फर्स्ट चैनल में लगा दिया और आउटपुट पार्ट में से दूसरा केबल लेके, दूसरा केबल लेके इधर लगा दिया, सेकंड चैनल में लगा दिए। आई होप कि आपको ये बात बेसिक समझ में आ चुकी है। अब फाइनली ये दोनों का जो प्लग है, मतलब सर्किट को चलाने के लिए जो पावर चाहिए, तो वो पावर जो है देखिए मैंने मेन सॉकेट में कनेक्ट कर दिया, लोग देख सकते हैं, तो ये मेन सॉकेट में कनेक्टेड है, वायर प्लग कनेक्टेड है। वैसे ही इस बंदे को भी जो चाहिए तो वो भी जो है कनेक्टेड है, यू कैन सी दैट राइट।
सो दोनों चीज़ें कनेक्ट कर दी हैं, और वैसे ही सीआरओ के लिए जो पावर सप्लाई वो भी कनेक्ट कर दी है। अब यहाँ से इसको मैं ऑन कर देता हूँ, तो यहाँ से मैंने इसको देखिए ऑन कर दिया है, यहाँ से सीआरओ को ऑन कर देता हूँ और यहाँ से इन दोनों चीज़ों को ऑन कर देता हूँ। तो ये देखिए मैंने ऑन कर दिया, इसको भी ऑन कर दिया। ओके, अभी देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर हो रही है। ये देखिए LEDs ब्लिंक कर रही हैं, आप क्या देख सकते हैं क्या? तो एक्चुअल में क्या हो रहा है ना कि ये जो है ना, ये फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट जो है नॉब है, और ये डेटा जनरेट कर रहा है, डिजिटल डेटा जनरेट। मतलब यहाँ पे डेटा आप भी दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर इस किट के अंदर, मतलब इस कंपनी ने जो किट बनाई है उसमें डेटा देने का कोई प्रोविजन नहीं है। मतलब हम लोग बाहर से नहीं दे सकते, तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली डेटा जनरेट हो रहा है। डेटा है क्या, डेटा होता क्या एक्चुअल में, खाली 0101 इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब लो वोल्ट हाई वोल्ट, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से दी जा रही है। देखिए इसको मैं अगर घुमाऊंगा तो और स्लो हो जाएगा, देखिए एकदम स्लो हो गया है ना, तो डेटा और धीरे से जा रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर रही है। अब इसको थोड़ा इधर घुमाऊंगा क्लॉकवाइज, देखिए एकदम फास्ट हो जाएगा, देखिए एकदम फास्ट हो जाएगा, फास्ट ब्लिंकिंग हो जाएगी है ना। तो ये डेटा ये पैदा कर रहा है, ठीक है, ये डेटा पैदा कर रहा है, यहाँ पे ये ब्लिंक करके हमें बता रही है कि डेटा जो है यहाँ से निकल के यहाँ तक पहुँच रहा है, ये डेटा यहाँ से निकल के यहाँ तक पहुँच रहा है। अब जो यहाँ पे डेटा पहुँच रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये डेटा इसके अंदर घुस रहा है, किसके अंदर, ऑप्टिकल केबल के अंदर, और ये ऑप्टिकल केबल क्योंकि इस रिसीवर से कनेक्टेड है, ट्रांसमीटर से निकल के रिसीवर से कनेक्टेड है, तो ये डेटा सेम टू सेम यहाँ पहुँचना चाहिए, अनडिस्टॉर्टेड, अनडिस्टॉर्टेड बिना बिगड़े, और पहुँच भी रहा है, देख सकते हैं आप, दिस इज अ फैंटास्टिक डेमोन्स्ट्रेशन कि ये डेटा यहाँ पहुँच रहा है। अच्छा, यही चीज़ अब हम सीआरओ में भी देख सकते हैं ना, कि जो यहाँ पे जो डेटा पहुँच रहा है असलियत में सीआरओ में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखिए ये देखिए आपको दिख रहा होगा ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हुए, तो इनपुट भी ऊपर नीचे हिल रहा है और आउटपुट भी ऊपर नीचे हिल रहा है, तो हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज। ये भी तो वही है ना, ब्लिंक कर रहा है हाई वोल्टेज और बंद हो रहा है, मतलब लो वोल्टेज, ग्लो कर रहा है हाई और मतलब बंद हो रहा है तो लो वोल्टेज, तो वही चीज़ आपको यहाँ देखने को मिल रही है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम का ये एडजस्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्क्वायर वेव की शक्ल का ये है ना, स्क्वायर वेव की शक्ल का है। अच्छा, अब देखो बेसिकली हमने रखी है कहाँ पर, ये नॉब को कहाँ रखा है, स्विच को कहाँ रखा है, लो पे रखा है, हाई पे नहीं रखा है, लो पे रखा है, तो बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी इसमें है ना रुकी हुई कभी दिखेगी नहीं, चलते हुए दिखेगी आपको। अगर इसमें रुका हुआ देखना है ना, तो इसको बहुत ही फास्ट हाई फ्रीक्वेंसी करना पड़ेगा, तो मैं इस फ्रीक्वेंसी को एकदम हाई कर देता हूँ, देखो इधर से हाई कर देता हूँ, न सिर्फ यहाँ से हाई करूँगा। अच्छा देखो इतना हाई हो गया ये कि इतनी बार ब्लिंक हो रहा है कि आपकी आँखें पहचान भी नहीं पा रही है ब्लिंक हो रहा है, आपकी आँखों को हमेशा ग्लो होते हुए दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये ब्लिंक कर रहा है, देखो ना, देखो अब दिख रहा है आपकी आँखों को है ना, बट अभी नहीं दिख रहा है। तो अभी बेसिकली इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है, आपकी आँखें समझ नहीं पा रही कि ब्लिंक हो रहा है, बट हो रहा है ये ब्लिंक। अच्छा, अब मैं ये लो से इसको हाई पे ले आता हूँ, तब जाके सीआरओ में एक्चुअल में अच्छे से मुझे चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इसको मैंने हाई पे लेके आ गया, यहाँ पे भी एकदम बिल्कुल स्टेबल जैसा हो गया है, पता भी नहीं चल रहा है। अब इस सीआरओ के अंदर थोड़ा टाइम बेस चेंज करेंगे तो चीज़ें रुक जाएंगी और परफेक्ट बन जाएंगी। ये देखिए, देखिए बन रहा है, एकदम परफेक्ट बन गया, परफेक्ट स्क्वायर वेव स्टेप की आ गई, आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल। ये वाला जो है इनपुट चैनल है, तो इनपुट चैनल का ये देखिए ये वाला है ना, ये इनपुट वेव है, और ये जो है ये आउटपुट चैनल है, तो ये आउटपुट वेव है, ये वाली आउटपुट वेव है। अब आप देख सकते हैं कि दोनों की फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम है, अरे देखिए ना फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल बिल्कुल सेम। देखो जितने टाइम में बेसिकली ये ऊपर नीचे हो रहा है, उतने टाइम में वो भी ऊपर नीचे हो रहा है। मैं आपको गिन के दिखा देता हूँ कैसे दिखाएंगे, रुकिए एक सेकंड, इसको थोड़ा बीच में एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, तो वन बॉक्स, टू बॉक्स, थ्री बॉक्स, एंड देन दिस इज फोर बॉक्स, दिस इज फाइव बॉक्स, दिस इज सिक्स, सिक्स के आगे पॉइंट फोर, कैन यू सी दैट, 0.4 इन द सेंस, अरे एक एक लाइन जो है ना ये 0.2 की लाइन है, समझ रहे हैं, तो एक लाइन 0.2 है, अरे ये एक सेंटीमीटर है भाई, एक सेंटीमीटर, और इसमें पांच ही लाइंस बनी है, तो एक लाइन क्या होगा 0.2 का होगा, तो 6.4 करके ये आ रहा है, ये फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो ये जो भी फ्रीक्वेंसी आ रही है मुझे वो यहाँ पे लिखनी होगी, लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी है ये नोट करने का, यहाँ पे टेबल तो फ्रीक्वेंसी का है लेकिन टाइम पीरियड का नहीं है, तो मैं क्या करूँगा साइड में टाइम पीरियड भी नोट कर लूँगा। देखो मैं यहाँ पे टाइम नोट कर रहा हूँ किसका, ट्रांसमीटर का, ट्रांसमीटर का टाइम पीरियड भी नोट कर रहा हूँ, समझो इस बात को, ट्रांसमीटर का टाइम पीरियड, क्योंकि यहाँ पे जो दिखता है वो फ्रीक्वेंसी नहीं दिखती है बल्कि टाइम पीरियड दिखता है, ये टाइम बेस कहलाता है, टाइम बेस, इसमें देखो ना टाइम दिखाई देता है कितना, देखो सेकंड्स में तो मिली सेकंड्स आएगा, देखो ना टाइम बेस है यहाँ पे लिखा हुआ, तो यहाँ पर टाइम दिख रहा है 50 माइक्रो सेकेंड, कैन यू सी दैट, देखो ना 50 पे है ना, 50 पे है, और ये क्या लिखा हुआ है, ये माइक्रो सेकेंड, 50 माइक्रो सेकेंड पे है, सो 50 माइक्रो सेकेंड। अच्छा, अब ये इसकी चौड़ाई कितनी है, 6.4 है ना, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, एक सेकंड साइड में लिखता हूँ, देखो ध्यान से साइड में लिखता हूँ, 6.4 इंटू 50 इंटू 10^-6 सेकेंड, बिकॉज माइक्रो सेकेंड है ना, तो ये टाइम पीरियड हो जाएगा, टाइम पीरियड। तो यहाँ पर आप कैलकुलेटर में ध्यान से देखिए, 6.4 इंटू 50 इंटू 10^-6, ठीक है,
तो ये जो है आपका आ गया 3.2 × 10⁻⁴ सेकेंड्स। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3.2 × 10⁻⁴ ये हो गया मेरा टाइम, 3.2 × 10⁻⁴ ये मेरा टाइम हो गया। अब फ्रीक्वेंसी कैसे आएगा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, तो टाइम पीरियड का उल्टा। सो जो भी मेरी वैल्यू आ चुकी है, जो भी मेरी वैल्यू आ चुकी है उसी के बस मुझे उल्टा करना है। सो 1 डिवाइडेड बाई द आंसर। सो अभी आंसर का बटन प्रेस कर दिया, इक्वल टू किया। सो इसका जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है वो आ रहा है 3125। सो यहाँ लिख देंगे 3125 हर्ट्ज, है ना, 3125 हर्ट्ज जो है वो हमें आ चुका है, 3125 हर्ट्ज आ चुका है। ठीक है, अब ये तो ट्रांसमीटर का था भाई, ये सारा कैलकुलेशन ट्रांसमीटर का है ना, इनपुट का है ना। अरे इनपुट पे क्या लगा हुआ भाई, ट्रांसमीटर लगा हुआ है। अब रिसीवर पे जो फ्रीक्वेंसी रही वो भी तो देखना पड़ेगी, तो रिसीवर का टाइम पीरियड चेक कीजिए। देखिए रिसीवर का टाइम पीरियड चेक करना है, थोड़ा सा इसको इधर उधर ले जाते हैं, कहीं तो ले जाते हैं, तो मैं यहाँ ले जाता हूँ, यहाँ ले जाके छोड़ता हूँ, ठीक है, यहाँ ले जाके छोड़ रहा हूँ मैं इसको, राइट। तो 1 2 3 थोड़ा ज़्यादा मेरा हाथ वाथ लग जा रहा है इसको, इसलिए हिल रही है। 1 2 3 बॉक्स, देन 4 बॉक्स 5 बॉक्स 6 बॉक्स 6.4, देखो यहाँ पे भी 6.4 ही है, देखो थोड़ा सा आगे है ना ये, अरे ध्यान से देखो भाई। तो इसमें अच्छा, इसमें दोनों के बीच में थोड़ा सा फेस डिफरेंस आ रहा है, वो होता ही है, वो ये सब कन्वर्जन करने में एंड ऑल, लेकिन उससे आवाज़ डिस्टॉर्ट नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है, आवाज़ में फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ अगर ऐश्वर्या राय बात कर रही है तो दूसरी तरफ अभिषेक बच्चन की आवाज़ सुनाई देगी, ऐसा नहीं होने वाला है। जो डेटा है वही डेटा वहाँ पर पहुँचेगा, जो डेटा यहाँ से निकल रहा है वही डेटा यहाँ पहुँचेगा, आवाज़ वावाज़ कुछ चेंज नहीं होगा, डिस्टॉर्ट नहीं होगा, सिग्नल कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ फेज आगे पीछे हो सकता है। एनीवे तो यहाँ पे भी 6.4 आ रहा है, तो कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, 6.4 का तो हमको मालूम है टाइम पीरियड क्या आता है। तो टाइम पीरियड आता है 3.2 × 10⁻⁴ सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी उसकी आती है 3125, जो कि एकदम एग्जैक्ट मैच हो रहा है। तो एफ ओ बाई एफ इन मतलब आउटपुट फ्रीक्वेंसी अपॉन इनपुट फ्रीक्वेंसी करेंगे तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो 1 आंसर हमारा आ गया, और ऐसा ही होना चाहिए। 1 का मतलब ये हो गया कि आपका डेटा परफेक्टली ट्रांसमिट हो रहा है, जो चीज़ यहाँ पे दी गई वही चीज़ यहाँ पे पहुँच रही है। अब सेकेंड रीडिंग कैसे लें, तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा इसको घुमा देना, बस खाली थोड़ा सा घुमा दो इसको, हल्का सा, तो इसको थोड़ा सा घुमा देंगे। तो चलो मैंने थोड़ा लो कर दिया इसको, इसको मैंने थोड़ा लो कर दिया। अब लो करते ही देखिए यहाँ पे क्या हाल हुआ, यहाँ पे देखिए क्या हो गया, बहुत ज़्यादा चौड़ा हो गया ना ये, अरे जो चीज़ एकदम पतली दुबली थी बहुत ज़्यादा चौड़ी हो गई। तो इसको है ना अभी फ्रेम में लाना है, फ्रेम में सुनो, वहाँ से मैंने वो चेंज किया तो ये बदल गया। अरे तुम लोग को यकीन नहीं हो रहा क्या, और वो दिखाऊँ क्या, ये देखो उस पर मेरा हाथ रखाऊँ और यहाँ देखो दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो बेसिकली ये उससे ही हो रहा है, एक ही फ्रेम में ट्राई करता हूँ दिखाने का दोनों चीज़ें, है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये कि उससे चेंज होता है, तो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो चलो चेंज कर दिया, थोड़ा चौड़ा कर दिया इसको, मतलब फ्रीक्वेंसी बदल दिया, अरे मेन उसका काम है फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना, उन्होंने कर दिया। अब यहाँ पे जो टाइम पीरियड का जो ये है, अभी मेजर कैसे करेंगे, इसमें तो आ ही नहीं रहा है, अरे इसमें समा नहीं रहा है ना भाई, समाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जूम आउट करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको घुमाना पड़ेगा। ये वैल्यू नहीं बदलता है, जो फ्रीक्वेंसी थी वही रहेगी, ये खाली क्या करता है जूम इन जूम आउट करता है, इसका काम सिर्फ जूम इन या जूम आउट करना है, समझ रहे हैं। तो इससे थोड़ा मैंने जूम आउट कर दिया, अब चेक करते हैं वैल्यू चेक करते हैं अब कितनी है, क्योंकि मैंने फ्रीक्वेंसी बदला ना, फ्रीक्वेंसी उसने बदला है भाई, ये खाली यहाँ पे बस जूम इन जूम आउट कर रहा है, अब देखते हैं कितना आ रहा है। सो ये हो रहा है 1 2 3 बॉक्स 4 बॉक्स 5 बॉक्स 5.8 के आसपास आ रहा है, 5.8 आप लोग देख सकते हैं, अब ये 5 पूरे बॉक्स हैं और ये फिर 0.8 वाला है। सो 5.8, और यहाँ पे वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 1 मिली सेकेंड, देखो ना, अब यहाँ पे 1 पे है, कैन यू सी दैट, ये 1 पे है कि नहीं, नहीं नहीं 0.1 पे, 0.1 लिखा है भाई, ध्यान से देखो भाई, मिस्टेक नहीं कर देना, तो 0.1 लिखा है, 0.1 मिली सेकेंड, कैन यू सी दैट, मिली सेकेंड, 0.1 मिली सेकेंड। तो अब मैं टाइम बेस लिख रहा हूँ किसका, ट्रांसमीटर का। सो यहाँ पे है जीरो कितना था, सॉरी यहाँ पे लिखूंगा 0.1 मिली सेकेंड था ना, मिली मतलब 10⁻³, और वैल्यू क्या आई थी मुझे 5.8 आई थी, 5.8, तो 5.8 × 0.1 × 10⁻³, तो ये कितना हो जाएगा, अरे तो खाली 10⁻⁰ है ना, 0.1 का क्या मतलब है, 10⁻⁰, तो 10⁻⁴ हो जाएगा, तो 5.8 × 10⁻⁴, है ना। सो यहाँ पे लिख दूंगा 5.8 × 10⁻⁴, समझ गए कि नहीं समझ गए। अब इसका उल्टा कर दूंगा, इसका उल्टा कर दूंगा, उल्टा इन द सेंस, तो मुझे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, तो 1 डिवाइडेड बाई कितना है 5.8 × 10⁻⁴ ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ रहा है, फ्रीक्वेंसी मेरी आ रही है 1724, है ना, 1724 मेरी फ्रीक्वेंसी आ रही है,
यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1724, ये हो गया मेरा इनपुट का जो आना चाहिए था फ्रीक्वेंसी, वो आ गया। और बेसिकली यहाँ पर जो है टाइम पीरियड जो रिसीवर में आ रहा है वो भी देखना है। तो रिसीवर कौन सा हमारा, रिसीवर तो नीचे वाला है ना, वो ये वाला है ना, तो इसको थोड़ा साइड वाइड में लेके अच्छे से एकदम बिल्कुल परफेक्ट जगह पे लेके फिर काउंट करना होता है। इसको साइड वाइड में लेके परफेक्ट जगह पे लेके काउंट करना होता है। तो देखो, अब देखो 1 2 3 4 5 5.8 एग्जैक्टली ये भी आ रहा है। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी आंसर वो जाना वाला है 5.8 - 2 - 4 और ये आ जाता है 1724 और आंसर यहाँ पे 1 आ जाता है। FO/FN कितना आ जाता है, 1 आ जाता है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है यार। मज़ा आ गया, मतलब बहुत मज़ा आ गया। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा वापस एक बार और चेंज करेंगे हल्का सा, चलो और चेंज कर दें, वहाँ से हल्का सा और चेंज कर दिया भाई, उसको घुमा के भाई फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट नॉब को घुमा के चेंज कर दिया वैल्यू। यहाँ से थोड़ा जूम आउट कर लेंगे, जूम आउट हो गया, अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे, तो अच्छे से एडजस्ट हो गया, थोड़ा सा और अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे, कम ऑन, ओके 1 2 3 4 5 5.6 के आसपास दिख रहा है मुझे, 5.6 करेक्ट, तो 5.6 दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ 5.6 into, अच्छा ये कितना है, टाइम बेस कितना है, टाइम बेस 0.2 का, 0.2 का टाइम बेस है, तो 0.2 × 10⁻³ मिली सेकेंड में ना। अरे चेक करो भाई, 0.2 कहाँ है, 0.2 जो है वो मिली सेकेंड में, मिली सेकेंड में, 0.2 मिली सेकेंड में। तो बेसिकली मुझे आया कितना, मुझे आया है 0.2 × 10⁻³, तो ये आ रहा है 1.12 × 10⁻³। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो 1.12, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 11.2 × 10⁻⁴। अरे 1.12 × 10⁻³ लिखने के बजाय मैं इसको 11.2 × 10⁻⁴ लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसका उल्टा कर देते हैं, तो 1 / आंसर इक्वल टू कितना आ रहा है, 829.8। तो इसको मैं सिंपली 830 लिख दे रहा हूँ, है ना, राउंड ऑफ करके 830 फ्रीक्वेंसी आ रही है। अब यहाँ पे वो किसका था, अरे ये तो इसका था ना भाई, ट्रांसमीटर का। अब रिसीवर का भी चेक कर लो, रिसीवर पे थोड़ा सा और एडजस्ट करता हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ रिसीवर के लिए, साइडवेज से घुमाते हैं, इससे साइडवेज, देखो इसमें बने हुए ना एरो, साइडवेज से चलाते हैं, तो इसका भी 5.6 आ रहा है एग्जैक्टली। तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही परफेक्ट रीडिंग आ रही है, मतलब परफेक्ट ट्रांसमिशन है, लॉसलेस ट्रांसमिशन है एंड डिस्टॉर्शन फ्री। लॉसलेस तो छोड़ दीजिए, वो तो बात की बात है, डिस्टॉर्शन फ्री मतलब जो है ट्रांसमिशन हो रहा है यहाँ से वहाँ। सो यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही चीज़ आई है हमें, ये कितना है, सॉरी 11.2 × 10⁻⁴, मतलब वो आया था ना भाई पूरा कैलकुलेशन 5.6 × 0.2 × 10⁻³ वाला, ठीक है। तो ये सारा पूरा कैलकुलेशन है। अच्छा, अब यहाँ पे जाहिर सी बात, जब ये सेम आंसर है तो ये भी सेम आएगा 830 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर हमारा पहला पार्ट समाप्त हो जाता है, तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारे प्रैक्टिकल का पहला अध्याय। अब प्रस्थान करते हैं दूसरे पार्ट की ओर। तो दूसरे पार्ट में आने के बाद हम लोग जो है इसको ऑफ करेंगे, पहले ये पूरा ऑफ कर दिया, ऑफ करने के बाद अब ये सारे वायर्स निकाल देंगे, चीज़ों को डिसमेंटल कर देंगे, बिकॉज यहाँ से हमें यहाँ पहुँचना है, यहाँ पे काम करना है, एनालॉग वाले में काम करना है। जो स्विच है डिजिटल से एनालॉग की तरफ आप पुल कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आपने पुल कर दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, कि देखिए यहाँ से यहाँ शिफ्ट तो मैंने किया, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ कि इस वाले पार्ट में, कौन से वाले में, डिजिटल वाले में हमने ये पार्ट भी यूज़ किया, ये पार्ट, लेकिन एनालॉग वाले में ये पार्ट यूज़ नहीं करना है, इसका कुछ और काम है, ये माइक वाइक लगा के कुछ काम करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए माइक वाइक दिया हुआ है, तो ये देखिए माइक्रोफोन दिया हुआ है, माइक्रोफोन, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा माइक्रोफोन लगाएंगे, और बेसिकली यहाँ पर जो है स्पीकर लगाने के लिए भी दिया है, कनेक्ट द स्पीकर बोला हुआ है, तो यहाँ पे स्पीकर लगाएंगे एंड यहाँ से हेलो हेलो बोलेंगे तो हेलो हेलो वहाँ पे सुनाई देगा, तो ये उसके लिए, लेकिन वो हमारे एक्सपेरिमेंट का पार्ट नहीं है। हालांकि मैं ट्राई करूँगा, अगर वक्त मिला तो लास्ट में ये भी ऐड कर दूंगा कि ये कैसे काम करता है, वो हमको नहीं करना है फिलहाल। हमको जो काम करना है वो ये है, बस खाली यहाँ से एनालॉग सिग्नल को, एनालॉग इनपुट से वहाँ पे हमको डिजिटल आउटपुट लाना है, मतलब वहाँ तक ना सिग्नल पहुँचाना है, इस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करके वहाँ तक पहुँचाना है, मतलब यहाँ से साइन वेव देना है, साइन वेव और वहाँ पर स्क्वायर वेव आनी चाहिए, चलो वो काम करना है ना। तो बेसिकली देखिए, आपने देखा होगा कि मैंने ऊपर ये डैश वाली लाइन्स कनेक्ट की थी, है ना, ये वाली, क्योंकि हमें ये चाहिए था, अरे ये तो जनरेट कर रहा था ना डेटा, तो हमने यहाँ से कनेक्ट किया था, लेकिन अब यहाँ से यहाँ कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज इससे हमको कुछ भी नहीं चाहिए, ये तो माइक्रोफोन के लिए है। कनेक्ट माइक लिखा है कि नहीं लिखा है, माइक्रोफोन एम्पलीफायर लिखा है कि नहीं लिखा है, हाँ, तो ये हमको नहीं चाहिए, हमको यहाँ पे एनालॉग इनपुट चाहिए। तो एनालॉग इनपुट का मतलब क्या, तो हमें यहाँ पर है ना इनपुट देना है, कहाँ से देना है, यहाँ से, ये है साइन वेव जनरेटर, जिसका फर्स्ट पार्ट में कोई काम नहीं था, लेकिन सेकंड पार्ट में इसका यूज़ है। तो हम यहाँ से अब दो वायर्स निकालेंगे
और इसके अंदर घुसा देंगे, है ना, तो इसको बोलते हैं इनपुट। अच्छा, और जो इनपुट हमने दिया वो चीज़ को सीआरओ में देखना भी है। तो हमने क्या किया है, देखिए अभी पहले तो ये दोनों चीज़ें ली, है ना, देखो सीआरओ के प्लस में और माइनस में जैसा पहले कनेक्टेड था ऊपर के साइड पे, वैसे अभी यहाँ पे भी कनेक्ट कर दिया। अरे वहाँ पे कनेक्टेड था ना सीआरओ में, तो वैसे इनपुट यहाँ पे भी हमने सीआरओ में कनेक्ट कर चुके हैं, बस खाली इनपुट देना बाकी है। तो देखिए मैं इनपुट अब दे रहा हूँ, ये देखिए इसको मैंने लिया क्रोकोडाइल क्लिप, है ना, ये ब्लैक वाला ये मैंने लिया और मैं इसको यहाँ पे लगाने वाला हूँ, इसमें लगाने वाला हूँ। तो ये देखिए ये क्या करने का, इसमें यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा होल होता है, इसमें डाल देने का, दिख रहा है, तो होल में इसको इंसर्ट कर दीजिए। तो इसको यहाँ पे डाल के मैंने देखो इससे कनेक्ट कर दिया। अरे देखो ये जो बैटरी है ना यहाँ पे देखो कनेक्ट हो गया, मतलब बैटरी इन द सेंस सॉरी साइन वेव जनरेटर है, उसका जो ब्लैक वाला था वो ब्लैक वाला मैंने यहाँ पे इनपुट डाल दिया, तो वहाँ से वेव निकल के इसमें घुस रही है, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए। और यहाँ पे है ना ये देखो स्क्वायर भी है, साइन भी, आपको साइन वाला दबाना है। हमको यहाँ से एनालॉग इनपुट चाहिए, एनालॉग इज लाइक दैट, ओके, साइन वेव, तो वो हमको चाहिए तो वो यहाँ पे दे दिया। अच्छा ये दूसरा वाला भी तो देना पड़ेगा, तो ये जो रेड वाला है इसको भी ले लेता हूँ मैं। तो ये दूसरा वाला जो क्रोकोडाइल क्लिप है ये वाला है रेड वाला, तो इसको यहाँ पे डालना है, लेकिन यहाँ पे डाल नहीं सकते डायरेक्टली, तो जाहिर सी बात है कि इसमें मैं पहले ये चीज़ इंसर्ट करूँगा। तो ये चीज़ मैंने इंसर्ट कर दी इसके होल में, ठीक है, और फिर ये लेके उस क्रोकोडाइल क्लिप में लगा दूंगा। तो देखिए मैंने कनेक्शंस कर दिया, रेड वाला जो था इसको लगा दिए, ठीक है, रेड वाला जो है वो इसको कनेक्ट कर दिया। तो अब वहाँ से वेव निकल रही है और यहाँ पे घुस रही है, ठीक है, वो वेव आ गई, सब कुछ यहाँ से कंट्रोल होगा। इसका अब कोई काम नहीं, इसका कोई काम नहीं है, पिछले वाले में इसका काम था फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने के लिए, लेकिन अब फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने के लिए इसका काम नहीं बल्कि उसका काम है, उसका काम है, समझ रहे हैं। तो ये तो यूज़ ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ से वायर टूटा हुआ है, अरे देखो यहाँ से टूटा हुआ है ना, कनेक्ट नहीं किया मैंने। तो अब डायरेक्टली वहाँ से फ्रीक्वेंसी लिया, इसमें घुसाएंगे और यहाँ पे हमको आउटपुट दिखेगा। चलिए आइए सब कुछ ऑन कर लेते हैं, लेकिन ऑन करने से पहले इसको एकदम कम कर दीजिए और ऑफ पे रखिए, और इसका वायर जो है यहाँ पे कनेक्ट करके इसको ऑन कीजिए। तो ये वायर मैंने इसका लिया और ये लेके मैंने इसमें डाल दिया। चलिए इसको ऑन कर लेते हैं, यहाँ से भी ऑन, वहाँ से भी ऑन, उसमें लाइट जल गई है, LED जल गई है, सब चीज़ें ऑन हो चुकी हैं। यहाँ से भी करते हैं ऑन, ये भी ऑन कर दिया, ये भी ऑन कर दिया, अभी कुछ आया नहीं है, देख लीजिए अभी कुछ भी नहीं आया हुआ है सीआरओ के अंदर। अब धीरे धीरे मैं यहाँ से जो लेवल का बटन है ना, लेवल का स्विच, देखो ध्यान से देखो, लेवल का जो ये नॉब है इसको घुमा घुमा के, है ना, वोल्टेज बढ़ा के यहाँ पे कुछ वेव लेके आऊँगा, ठीक है। तो अभी आप लोग ध्यान से बस देखते रहिए। तो ये देखिए मैं एक ही फ्रेम में लाने की कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को, आ गई साइन वेव आ गई। अरे साइन दबाया तो साइन ही आएगा ना, डायनासोर थोड़ी ना आएगा, तो साइन दबाया हुआ है तो साइन वेव आ गया है, ये है साइन वेव, कैन यू सी दैट। फ्रीक्वेंसी बदलना है, फ्रीक्वेंसी का इसका बदलना है, फ्रीक्वेंसी इसकी चौड़ाई बदलना है, टाइम पीरियड बदलना है, तो यहाँ से इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, किसको, इसको डायल को, ये देखो डायल घुमाऊंगा तो देखो क्या होगा, कैन यू सी दैट, इसकी चौड़ाई चेंज हो रही है, कैन यू सी दैट, यस परफेक्टली। सो बेसिकली यहाँ से आप अपने हिसाब से तीन चार फ्रीक्वेंसीज रख के सेम टू सेम, जैसे पहले तीन फ्रीक्वेंसी का आंसर निकाला इसको घुमा के, पहले तीन फ्रीक्वेंसी इसको रख के आंसर निकाला, वैसी इसको तीन फ्रीक्वेंसी घुमा के आंसर आपको निकालना है। लेकिन अभी आउटपुट की वेव नहीं दिखाई दे रही है मुझे, उसका रीज़न ये है कि ये जो आउटपुट में जो यहाँ पे जो है ना रिसीवर में, रिसीवर का जो ये गेन वाला जो बंदा है इसको मैंने जीरो पे रखा हुआ है, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, ये ही बंदा आपको वहाँ पे वेव देगा। तो चलिए इसको मैं एडजस्ट करता हूँ, देखिए इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, आया देखो डिस्टॉर्टेड वेव, एकदम डिस्टॉर्टेड, जब तक ये स्क्वायर ना बन जाए तब तक आपको गेन लेते रहना, देखिए अब स्क्वायर बन रही है, देखिए स्क्वायर बन रही है, तो आपको घुमा रहना है, जैसे स्क्वायर बन जाएगी वो छोड़ देना है, देखिए परफेक्टली स्क्वायर बन रही है। तो एक स्क्वायर वेव बन चुकी है, थोड़ा सा और हो सकता है बेटर शायद, आई गेस थोड़ा स्कोप है हल्का सा, हाँ और बेटर बनने का स्कोप है, यस नाउ इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर वेव, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर वेव। सो यहाँ पर जो है ये साइन वेव है और ये स्क्वायर वेव है, तो आपको गेन प्रॉपरली एडजस्ट करना पड़ेगा, तब जाके जो है बेसिकली, मतलब ये डायल घुमाने के बाद ही तब जाके बेसिकली आपको प्रॉपर आंसर आएगा। अच्छा अब इसकी फ्रीक्वेंसी निकालना है, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालना है, और दोनों को हमारे सेकंड टेबल में लिखना है, ठीक है। तो आइए सेकंड टेबल की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो इनपुट का जो फ्रीक्वेंसी है साइन वेव जनरेटर में जो हमने दिया है, अरे भाई यहाँ से कुछ देते हैं ना हम लोग इनपुट, तो इनपुट यहाँ दिख तो रहा है, लेकिन आपको यहाँ से है ना इसका फ्रीक्वेंसी लेने की कोई जरूरत नहीं, टाइम पीरियड लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज यहाँ पे डायल दिया हुआ है ना, तो डायरेक्टली डायल पे से रीड कर लीजिए ना कि कितना है, फिर आपको समझ सके एक्स्ट्रा पार्ट नहीं बनाना पड़ेगा ना, जैसे पहले हमको एक एक्स्ट्रा पार्ट बनाना पड़ा था, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे देखना पड़ा था ना, यहाँ पे आपको देखना नहीं है, आपको डायरेक्टली डायल पे से लिख देना कि कितना फ्रीक्वेंसी है। देखो डायल पे कितना लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये रेंज रखा हुआ है 100 पे, ध्यान से देखो रेंज 100 पे फिक्स है। अरे किधर गया भाई, दिखाई नहीं दे रहा है, एक मिनट फ्लैश लाइट जाना पड़ेगी। हाँ तो देखो ये नॉब का ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ये प्रोट्रूडिंग पार्ट, अरे अकल के पुतलो ध्यान से देखो, दिखा ये हिल रहा है, ये वाइट वाला, ये वाला, तो ये 100 पे रखा हुआ है, 100 तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, और ये 20 पे रखा है डायल, देखो 20 पे, सो 20 इंटू 100 कितना होता है 2000 होता है ना,
सो 2000, तो 2000 बेसिकली इनपुट फ्रीक्वेंसी है मेरी, 2000 इनपुट फ्रीक्वेंसी है, समझ रहे हैं। तो आइए इस पे 2000 लिख लेते हैं, तो ये मैंने लिख दिया 2000 हर्ट्ज। अब यही देखते हैं कि यहाँ पे आया कि नहीं आउटपुट पे, तो आउटपुट पे यहाँ पे चेक करेंगे, ये आउटपुट है, इसको थोड़ा चौड़ा कर लेंगे टाइम बेस की मदद से, चौड़ा हो गया एक साइड में ले लेंगे, तो हो गया 1, 2, 3 बॉक्स, देन 4 बॉक्स, देन 5 बॉक्स, 5.2 आ रहा है, 5.2 मल्टीप्लाइड बाई कितना है, 0.1 है ना, 0.1 राइट, 0.1, तो 5.2 इंटू 0.1 इंटू 10^-3, ये हो गया आपका बेसिकली 0.52 मिली सेकेंड हो गया है ना, 0.52 मिली सेकेंड। इसको अभी उल्टा करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, तो 1 डिवाइड बाई ब्रैकेट में डाल दिया 0.52 मिली सेकेंड, मतलब 10^-3, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो ये हमारा आ चुका है, कितना आ चुका है, 1923, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। एक्चुअली थोड़ा बहुत क्या देखने में भी गलती होती है, तो 1923 जो हमारा है आ चुका है, तो दिया था 2000, आ गया 1923। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ डिस्टॉर्शन हो रहा है, बट हाँ थोड़ा बहुत मतलब कह सकते हैं ऊंच नीच हो जाती है, बिकॉज ये क्या हो रहा है कि ये जो एनालॉग सिग्नल है डिजिटल में कन्वर्ट हो रहा है, बट एनीवे उस पर आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, वो रीडिंग करने में थोड़ा मिस्टेक होता है यहाँ पे, है ना, देखिए इतना ज़्यादा अच्छे से प्रिसाइज नहीं है ना, हो सकता है 5.4 रहा हो या 5.0 रहा हो, क्या होता है कि वो यहाँ पे रीडिंग अच्छे से कर नहीं सकते, बिकॉज इसका जो डिस्काउंट है ना वो छोटा नहीं है, जितना छोटा डिस्काउंट होता है उतना बेटर इंस्ट्रूमेंट होता है, तो इसका डिस्काउंट बहुत बड़ा है, बट एनीवे तो हमको अच्छी खासी चीज़ें आ रही हैं, तो आउटपुट में आया 1923 डिवाइड बाई जो इनपुट था 2000, तो आंसर आ रहा है 0.96, जो कि 1 के बहुत ही नज़दीक है, तो बिल्कुल परफेक्ट हम कह सकते हैं कि चीज़ें चल रही हैं। ऐसा दो बार हमें और करना है एंड द एक्सपेरिमेंट विल बी ओवर एंड दैट्स डैम इजी। तो एक बार 2000 रखा था, एक बार आप 1500 रख दीजिए, देखो मैंने 15 पे रख दिया है ना, सो 15 पे रख दिया, तो 15 पे रखा तो ये हो गया 1500, यहाँ पे लिख दूंगा मैं 1500, ठीक है, वैसे यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक बार 1000, ठीक है, और उसी को यहाँ पे चेक कर लूंगा, सेम टू सेम आंसर आएगा, दैट्स इट, द एक्सपेरिमेंट इज ओवर। आई होप कि आपको समझ में आया है एक्सपेरिमेंट कैसे करना है, बहुत ही बचकाना एक्सपेरिमेंट है, देर इज नथिंग टफ इन इट, ठीक है। तो एक बार में आपको क्या करना था, मतलब पहले वाले में इसको यूज नहीं करना है, ये वाले पार्ट से करना है, ऊपर वाले पार्ट से, और दूसरे पार्ट में इसको यूज करना है और नीचे वाले पार्ट से करना है, ठीक है, नीचे वाले पार्ट से। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट पे, मतलब यानी कि एक्सपेरिमेंट तो हमारा खत्म हो चुका है, ये जस्ट एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पार्ट में अभी आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया, देखिए माइक्रोफोन, ये देखो माइक्रोफोन लगा दिए, दिख रहा है आपको माइक्रोफोन मैंने इसमें लगा दिया, किसमें, इसमें लगा दिए, तो अब ये यूजफुल हो गया, अब ये काम का है, तो इसको सर्किट से कनेक्ट होना चाहिए, तो इसलिए मैंने क्या किया, देखो ये कनेक्ट कर दिया, देखो ना, अरे जो डैश पार्ट है किधर गया भाई, ये डैश पार्ट दिख रहा है, तो कनेक्ट कर दिया वैसे ही ये, अच्छा ये तो इसकी वजह कोई ज़रूरत नहीं है बाय द वे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कनेक्टेड रहता है, एक्स्ट्रा वायर है, लगा भी दोगे तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया, जहाँ पे डैश था देखो यहाँ पे डैश है, तो ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ये ऑप्टिकल केबल कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है पहले से ही, ये भी कनेक्टेड है पहले से, ये भी कनेक्टेड है, मतलब पहले के सर्किट जितने, मतलब पहले के जितने भी कनेक्शन है सर्किट कनेक्शन सब सेम है। यहाँ पर से मैंने क्या किया, सीआरओ हटा दिया, क्योंकि सीआरओ कोई काम ही नहीं है, तो सीआरओ हटा के यहाँ से मैंने देखो ये वाला वायर लगाया हुआ है, देखो ये वायर लगाया हुआ डबल, और ये कहाँ कनेक्ट किया मैंने, स्पीकर पर कनेक्ट किया, ये मेरा स्पीकर है ना, तो स्पीकर पर लगा दिया, तो बेसिकली स्पीकर पर मैंने कनेक्ट कर दिया, और ये है माइक्रोफोन, तो यहाँ से बोलूँगा वहाँ से आवाज़ आएगी, ठीक है, तो इसका मतलब डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। अरे तुम लोग समझो इस बात को, ये चीज़ मान लो क्या ना, 1000 किलोमीटर दूर है यहाँ से, 1000 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ फ़ोन से, तो मेरी आवाज़ को ऑप्टिकल केबल लाइट की मदद से ले जा रहा है यहाँ पे 1000 किलोमीटर दूर। तो हर चीज़ यहाँ से हटा दी गई, कुछ भी नहीं लगाया गया है एक्स्ट्रा, सिर्फ और सिर्फ माइक लगाया गया है, स्पीकर लगाया गया है, ठीक है, और बाकी बीच में क्या, खाली जहाँ जहाँ पे डैश वाली चीज़ें थी वो लगाई गई है, और ऑप्टिकल केबल लगाया है, है ना, तो ऑप्टिकल केबल हमने लगाया हुआ है, ऑप्टिकल केबल, अरे समझ रहे कि नहीं समझ रहे, तो ऑप्टिकल केबल लगाया है, जहाँ पे डैश था वहाँ पे वायर्स घुसाए गए हैं, और माइक्रोफोन और स्पीकर लगाया गया, नथिंग एल्स, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। आई होप आप लोग ये बात समझ पा रहे हैं। तो अब मैं इसको ऑन करने जा रहा हूँ, तो यहाँ से तो मैंने इसको ऑन कर दिया है, अब यहाँ से ऑन करता हूँ, देखिए आवाज़ आने लगी अचानक में आवाज़ आई, ये मतलब अरे ऑन ही नहीं हुआ, एक सेकेंड। सो फाइनली हम लोग लास्ट पार्ट में पहुँच चुके हैं, ये लास्ट पार्ट चल रहा है हमारा, इसमें मैं मतलब लास्ट पार्ट इन द सेंस ये मेन एक्सपेरिमेंट का पार्ट नहीं है, ये बच्चों को परफॉर्म नहीं करना है, ये जस्ट मैं अपनी तरफ से दिखा रहा हूँ। तो ये है फ़ोन जिसमें मैं कुछ बोलने वाला हूँ, और वो है रिसीवर जो कि 1000 किलोमीटर दूर किसी और के पास है, तो मान लो वो अमेरिका में रखा हुआ है और ये इंडिया में मुंबई के अंदर रखा हुआ है भाईखला में जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, तो यहाँ से वहाँ मुझे अपना मैसेज पहुँचाना है। देखते हैं कि आवाज़ आती है कि नहीं, ऑप्टिकल फाइबर की मदद से कर रहे हैं, तो अच्छा कनेक्शन देखिए कुछ भी है नहीं, सिंपली खाली यहाँ पर क्या लिखा था, कनेक्ट दी माइक, तो मैंने माइक कनेक्ट कर दिया, ठीक है, माइक्रोफोन कनेक्ट कर दिया ना, फिर खाली ये जो जहाँ से वायर टूटा हुआ है वो जोड़ देना आपस में, अरे टूटा हुआ है ना डैश लाइन्स, तो वहाँ जोड़ देना है, इसको चाहे आप जोड़े या ना जोड़े चलेगा, बिकॉज ये तो पहले से जुड़ा हुआ है, देखो लाइन बनी हुई है, तो आपको इसको लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से भी जोड़ दिया, यहाँ से भी जोड़ दिया, क्योंकि वायर टूटा हुआ था,
वैसे ही यहाँ पर देखो आपस में देखो ना, ये जोड़ दिया जहाँ पे वायर टूटा हुआ था, ये भी जोड़ दिया वायर टूटा हुआ था, ये देखो ऑप्टिकल फाइबर यहाँ से यहाँ ऑप्टिकल फाइबर लेके जा रहा है कि नहीं। ऑप्टिकल फाइबर इन्फॉर्मेशन यहाँ से जो मैं बोलूंगा वो बात वो यहाँ से यहाँ पहुँचाएगा, बस खाली इतना काम करना है, ऑप्टिकल फाइबर को यहाँ से यहाँ बात पहुँचाना है, फिर रिसीवर देख लेगा, ये ट्रांसमीटर है, फिर ये रिसीवर अपना काम सारा कर देगा, यहाँ पे भी वायर जुड़ा हुआ है, वहाँ पे भी वायर जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे फाइनली ये डबल पिन वाले जगह वायर जोड़ के स्पीकर में लगाएं। तो ये है माइक, ठीक है, सिंगल कॉर्ड वाला, और ये स्पीकर, इसमें दो वायर्स हैं, ठीक है। चलिए इसको ऑन करते हैं, ऑन करते ही बड़ी अजीब सी बहुत ही कर्कश आवाज़ आने वाली है, तो आप लोग पहले से रेडी रहें, बहुत ही अजीब आवाज़ आ रही है। आवाज़ को कम कर सकते हैं थोड़ा, गेन कम करके, यहाँ से गेन कम कर दिया, यहाँ से माइक्रोफोन एम्पलीफायर थोड़ा कम कर दिया। अब यहाँ पे कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, पठान भाई जो है इसे ऑन करके उसमें बोलेंगे, और देखिए आवाज़ यहाँ पे आएगी, मैं आपको आवाज़ सुना देता हूँ, देखना भी आप लोग ज़रा। तो मैं इसे ऑन कर रहा हूँ, देखिए। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट है। थैंक यू पठान भाई। फाइनली स्टूडेंट्स, ये एक्सपेरिमेंट हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको एक्सपेरिमेंट पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, टेक केयर।